नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। गडकरी ने जयपुर के झोटवाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, और इसलिए यह चुनाव केवल आपके राज्य की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि 5 साल के अंदर देश में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां लगभग नहीं दिखेंगी, केवल इलेक्ट्रिक की एथेनॉल व हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां ही दिखेंगी। विशेष रूप से राजस्थान के विधानसभा के चुनाव की चर्चा केवल राजस्थान में ही नहीं तो पूरे देश में हो रही है। राजस्थान ऐसा एक प्रदेश है कि जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारे आदर्श के रूप में हम जिनको मानते हैं वो वीर महाराणा प्रताप की ये भूमि है। ये भूमि जो है ये मुगल सल्तनत के खिलाफ अपनी संस्कृति, अपने इतिहास का एक प्रकार से उसका संरक्षण करने के लिए जान की कुर्बानी देने वाले वाले हजारों वीरों की भूमि है। आज जब मैं हवाई जहाज से उतरकर जब बाहर आ रहा था तो मेरे साथ के सहयोगी ने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 5-स्टार 3-स्टार होटल अगर किसी शहर में है तो जयपुर में है। इसका मतलब बहुत बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आते हैं और ये जो वीरों की भूमि है ये दुनिया से आए हुए सभी लोगों को एक प्रेरणा देती है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, इसकी चर्चा पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर जिले में होती है। महारानी पद्मिनी जी की बात हो, अनेक वीरों का बलिदान हो, ये हमारे देश का इतिहास बन चुका है और इसलिए राजस्थान की इस भूमि को एक प्रकार से विकसनशील राज्य करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। हम कार्यकर्ता जो है वो समझ लें कि इस देश का विकास जिस गति से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं देश का। इस 75 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला। बैल जोड़ी थी तो लोगों ने बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे, फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। उम्मीद ये थी कि गरीबी दूर हो जाएगी, उम्मीद ये थी कि जवान लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उम्मीद ये थी कि गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, उम्मीद ये थी सब गांव अच्छे बनेंगे, शहर अच्छे बनेंगे, उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और हमारा राज्य और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। अनेक राज्यों में किसानों ने आत्महत्या की। आज भी लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल में बहुत वादे किए पर वादे कभी पूरे नहीं किए और इसीलिए इसका कारण क्या है ये सुबुद्ध लोगों को सोचना होगा। 1947 में देश को जब स्वतंत्रता मिली थी तो 3 बातों की चर्चा बहुत जोरों में थी, 3 विचारधाराएं थी। एक था साम्य समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। उस समय राजस्थान में भी राजे महाराजाओं ने स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था और जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधु दंडवते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी।
उसके बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, इन्होंने भी कम्युनिज्म के आधार पर हम देश के तकदीर को बदलेंगे ये वादा किया था। 1947 के बाद आज 75 साल पूरे करने के बाद हम जब सोचते हैं तो समाजवाद खत्म हो गया, समाजवादी भी खत्म हो गए। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहीं गिरा, ऐसी हालत। कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई, स्वतंत्र पार्टी भी समाप्त हो गई, और आज पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि विश्व की सामाजिक आर्थिक तस्वीर को कौन बदल सकता है, और इसलिए पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि कम्युनिज्म अपने ही भूमि पर परास्त हुआ है, और चाइना और रशिया ने भी कम्युनिज्म अपनाना छोड़ दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चाइना के निमंत्रण पर चाइना गया था। मेरे साथ सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख नेतागण थे, और जब हम लोग चाइना विजिट किया तब वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने उनको पूछा कि लाल झंडा ही केवल दिखता है, बाकी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सब बातों को छोड़ दिया है। जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, मंगोलियन वंश के, उन्होंने दुनिया से पैसा लाया, शंघाई का विकास हुआ, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। और आपको कभी मौका मिलता है, हंगेरी अब जाएंगे आप, जो जो यूरोपियन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था उन देशों में जाओगे, ऑस्ट्रिया में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, जहां जाओगे वहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने थिंकर थे, विचारवंत थे, उनकी प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में कोने में रख दिया। इसका कारण लोगों को उनके प्रति रोष था, और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा के आधार पर जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी तस्वीर को बदल देंगे, उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाएंगे। इसी भाव में, इस भाव के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया। राजस्थान ने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को नेता दिए, सुंदर सिंह भंडारी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, इन लोगों ने उस समय पार्टी का काम किया जब सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, विजय नहीं था, पराजय था, लोगों में रिकग्निशन नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, फिर भी जनसंघ के रूप में कार्यकर्ता काम करते रहे। जनता पार्टी का उदय हुआ, लोकतंत्र खतरे में इंदिरा जी ने डाल दिया, राजनीतिक नेताओं को मिसा के अंदर जेल में बंद कर दिया, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, मीडिया पर नियंत्रण लाए। तब उसी समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी की निर्मित हुई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। मुझे याद है मैं 1975 में पहली साल महाविद्यालय में गया था, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा। मेरे घर वाले बहुत नाराज थे, उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैंने परीक्षा दी और मुझे 52% ही मार्क मिले, और मुझे साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, जिसके कारण मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इमरजेंसी ने और जनता पार्टी ने मेरा बहुत नुकसान किया, ऐसा मेरे बहनों को और मां को लगता था, पर मैंने उनके आशीर्वाद मेरे साथ थे, मैं इंजीनियर नहीं बना, पर आप मुझे 7 यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डिलीट मिल गई और वर्ल्ड में 7 रिकॉर्ड हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मुझे पछतावा नहीं है, पर मैं उस समय अपने कार्यकर्ताओं को देखता था, और मुझे खुशी है कि जनता पार्टी के बाद देश में लोकतंत्र बचा, पर जनता पार्टी चल नहीं पाई। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ,
और हमारी पार्टी की परिस्थिति 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी में चुनाव हार गए। तब लोग ये कहने लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को देखकर बोलने लगे हम लोग हमारे दो, क्योंकि हमारे दो सांसद चुनकर आए थे। पर मुझे खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों पर श्रद्धा रखकर, जीत हो या ना हो, जीत हो या हार हो, हम चलते रहेंगे, यही अटल जी का संदेश था, उसके आधार पर हम कार्य करते रहे। अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और बाद में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। ये जो इतिहास था, ये इतिहास कार्यकर्ताओं ने बनाया हुआ इतिहास है। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता, मुख्यमंत्री और मंत्री के पेट से मंत्री नहीं होते। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो चूना लगाने का, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं छापा, किसी के गले में हार नहीं डाला, कटआउट तो मैं खुद का भी नहीं लगाता और किसी का भी नहीं लगाया। फिर भी मैं इसलिए इस पार्टी का, दिल्ली आकर पार्टी का अध्यक्ष बना। मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, पर दिल्ली आकर मैं अध्यक्ष बना, तब मैंने कहा था कि जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पिता पुत्र और मां बेटों की और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये इस पार्टी की है। और पार्टी का जन्म किसी को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ। केवल राज बदलना ये हमारा मकसद नहीं है, हमें इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को, देश को दूर करना है, यही हमारा मकसद। जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसके साथ न्याय करना ही हमारा मकसद है, यही हमारी विचारधारा है। और इसलिए हमने 2014 में यह तय किया कि इस देश की गरीबी दूर करनी है तो उद्योग आने चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, निर्यात बढ़नी चाहिए, इस देश में किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, युवाओं के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, तब समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बनेगा। पर उद्योग अगर बढ़ाने हैं, अगर खेती में अगर विकास करना है तो पानी और बिजली लगे, उद्योग अगर बड़े करने हैं, व्यापार को बढ़ाना है तो पानी चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन चाहिए, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं मुंबई में था, मैं मंत्री था। आप कभी मुंबई जाओगे तो समुन्द्र में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने 55 फ्लाईओवर उड्डान पुल मुंबई में बनाए और उस समय मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। तो वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नितिन तुमने मुंबई में बहुत काम किया, अभी दिल्ली आओ और इस देश के गरीब लोग जो है, किसान है जो गांव में रहते हैं, उनके गांव को मजबूत रोड बनाने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई, पटवाजी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, मैंने एक योजना बनाई, वाजपेयी जी को दी। 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर उस योजना की घोषणा की, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज भी देश की सबसे लोकप्रिय योजना है। हर गांव को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मुझे याद है कि मैं जब मेरे पास वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट था,
राजस्थान में पानी की कमी थी, इंदिरा कैनाल को 2500 करोड़ रुपए देकर मैंने उसके कॉन्क्रीटीकरण को मंजूर किया। और अभी परसों ही मैं यहां आया था, तब मुझे पता चला कि राजस्थान के 7 जिलों को केवल कॉन्क्रीटीकरण करने के लिए जो पानी मिलता है वो पानी पंजाब से आगे से राजस्थान तक पहुंच रहा है। उसी समय राजस्थान को पानी मिलने वाली लखवा, रेणुका, किशाऊ, ताजेवाला, उस समय के सिंचाई मंत्री थे जो अपने वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, अभी मुझे डॉक्टर राम प्रताप जी, वो मेरे पास आते थे। मैंने सब योजनाएं मंजूर की और राजस्थान में अब सुजलाम सुफलाम होगा, इतना पानी हमने उपलब्ध करा कर दिया और योजनाएं बन गई, रोड बन गए। आज मैं इसी एयरपोर्ट पर उतरा, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, चिंता में बैठी थी, जयपुर के रिंग रोड का काम नहीं हो रहा था, उनके अधिकारी कहते थे, मैं बोला ये हो जाएगा, बोले मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल है। अरे मतलब तुम बाजू हटो, मेरे पास कोई मुश्किल शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ मेरे डिक्शनरी में है, आई एम पॉसिबल, ऐसे कैसे नहीं होता। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, नया मॉडल बनाया, अब मैं हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से देखता हूँ, जयपुर के रिंग रोड का काम पूरा हो गया। राजवर्धन जी मेरे पास आए, दिल्ली जयपुर रोड इतना खराब था, इतने कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, इतनी तकलीफ होती थी, वो किशनगढ़ तक का रोड हर जगह प्रॉब्लम था, सब सुधारते अभी 6 महीने पहले मैंने 1300 करोड़ उनके कहने पर मंजूर करके दिए, सब उड्डयन पुल बन रहे हैं। अब दिल्ली से मुंबई हाईवे बन गया और आज उस हाईवे में दिल्ली से अभी जो जयपुर आप आते हैं, कहां से, दासना से, दोसा से, अब दोसा के पहले और एक रोड बना रहे हैं। तब ये मेरे पास आए थे राजवर्धन जी और सब लोग कि यहां से सीधा रोड बना दो जयपुर के लिए, बोला बना दूंगा, उसका भी काम शुरू है, शायद 3-4 महीने में पूरा हो जाए। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से डेहराडून 9 घंटे लगते थे, 2 घंटे में हरिद्वार, 1.5 घंटे में अमृतसर, 4 घंटे में श्रीनगर, 8 घंटे में कटरा, 6 घंटे में परिस्थिति बदल गई, बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में बेंगलोर से मैसूर जाने के लिए कम से कम 4.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में। हमारे यहां मेरठ हाईवे बना, मैं लोगों को बता रहा था कि 45 मिनट में होगा, तो पत्रकार हंसने लगे, क्योंकि 4.5 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हो गया। लोग मुझे बता रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं, मैं और आपको जयपुर वालों को आइसक्रीम खाने के लिए दिल्ली लेके जाऊंगा और दिल्ली वालों को कचौरी खाने के लिए जयपुर लेके आऊंगा। अब दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक केबल हाईवे, आप बढ़िया बिजनेस क्लास के सीट में बैठोगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे के अंदर शहर में आ जाए, और टिकट रेट डीजल की बस है उसकी तुलना में 30% सस्ता होगा। नारायण भाई का सब कुछ हो सकता है, दिल्ली की बसें, मैंने कहा था कि इस देश का किसान बिजली तैयार करेगा, ईंधन तैयार करेगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी सब लेके आए। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, हर्षवर्धन जी ने देखी है, एक हाइड्रोजन पे चलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।